सत श्री अकाल जी, सारियां नूं स्वागत करदी हां। मैं तुहाडा अपने चैनल मैथ विद सुमनप्रीत कौर ते मैं हाँ सुमनप्रीत कौर। ते अज दी इस वीडियो दे विच असी करांगे इनवायरमेंट दे नाल रिलेटिड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दा पार्ट 3। जिहड़े भी स्टूडेंट पीएस टैट इस तों इलावा वीडियो पी ट्रिपल्स वी क्लर्क एक्साइज अते टैक्स इंस्पैक्टर दे एग्जाम दी तैयारी कर रहे ने, उहनां दे लई अज दी इह वीडियो काफ़ी ही ज़्यादा हैल्पफुल होण वाली है, क्योंकि इस दे नाल नाल वीडियो दा सिलेबस असी पहलां ही कवर कर चुके हां फॉर गार्ड दे विच ही, पर इस दे नाल नाल तुहाडी रिविजन क्लासेस भी लग रही ने। जेकर तुसी इन्हां नूं एज आ टेस्ट मान के अटैम्प्ट कर लैंदे हो तां तुहानूं पेपर दे विच पेपर देने तो बाद अपने आप पता लगेगा कि तुहानूं की बेनीफिट होए ने। तां जिहड़े स्टूडेंट ऑलरेडी कोई ना कोई पेपर दे चुके आ उहनां नूं तां वीडियो देख के ही पता लगेगा कि किन्ने ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इस वीडियो दे विच लए गए ने। तां ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए असीं अज दी इह वीडियो स्टार्ट करदे आ। जेकर तुहानूं वीडियो चंगी लगे तां प्लीज़ वीडियो नूं लाइक अते शेयर जरूर कर देना। हेठ लिखियां विच्चों 3R विच्चों केड़ी नूं वातावरण अनुकूल मन्निया जांदा है? हाँ जी, 3R 3R दे इहदे विच की मतलब आ जिहड़ा कि वातावरण दे अनुकूल मन्निया जांदा, जां फिर कह सकदे हां वातावरण दे नाल रिलेटिड 3R दा की मतलब आ। तां इस दे विच्चों 3R दा मतलब आ रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। ऑप्शन नंबर ए इज़ दा राइट आंसर। रिड्यूस मतलब हुंदा घटाउणा, रीयूज मतलब दुबारा वरतों करनी, रिसाइकल दा मतलब नवीं दे विच कन्वर्ट करना। ठीक है, ते यही 3R दा वातावरण दे अनुकूल मतलब मन्निया जांदा है। नैक्सट क्वेश्चन, तेजाबी वर्खा होण दा की कारण हुंदा है? हाँ जी, तेजाबी वर्खा होण दा कारण हुंदा है नाइट्रोजन ऑक्साइड अते सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी इज़ दा राइट आंसर, ये तुसीं याद रखना। नैक्सट क्वेश्चन, मनुखी वातावरण कॉन्फ्रेंस 1972 विच कित्थे शुरू हुई सी? हाँ जी, मनुखी वातावरण कॉन्फ्रेंस 1972 कित्थे शुरू हुई सी? स्टॉकहोम दे विच हुई सी, जिहड़ा कि स्वीडन दे विच आ। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन दा राइट आंसर आ। नैक्सट क्वेश्चन, हेठ लिखियां विचों किहड़ी लड़ी किसी वातावरण प्रणाली विच ऊर्जा दे प्रवाह बारे सच आ? हाँ जी, किसी वातावरण प्रणाली दे विच ऊर्जा दे प्रवाह बारे इन्हां विचों किहड़ी लड़ी आ जिहड़ी सच आ? तां इस क्वेश्चन दा राइट आंसर है जी ऑप्शन नंबर ए, उत्पादक, डिकंपोजर ते खपतकार। उत्पादक, देखो जो वातावरण दे विच कोई चीज़ उत्पादक जाने के पैदा होंदी है, जिवें कोई पेड़ पौधा बनता वा, फिर वो डिकनपोज जाने के मतलब कि भोजन बनाउंदा वा, भोजन बना के उन्हूं ब्रेक डाउन करता वा भोजन नूं, ते उस तो बाद वो खपत जाने के खपत विच आ जांदा वा। ठीक है, इसे तरह ये जिहड़ी लड़ी आ वातावरण प्रणाली दे ऊर्जा प्रवाह दे नाल रिलेटिड आ। नैक्सट क्वेश्चन, हाँ जी, इत्थे आ गया गैर वायो डिग्रेडेबल। कल मैं तुहानूं दस्सिया सी वायोडीग्रेडेबल रहिंद खूंह दा जिहड़ी उह किहड़ी हुंदी आ? जिहड़ी गल सड़ जावे, मिट्टी विच मिलन तों बाद गल सड़ जांदी आ। ठीक है, मिट्टी दे विच ही मिल जांदी आ, इक कोई इंपोर्टेंट रहिंद खूंह बन जांदी आ उहदी, जिहड़ी दुआरा यूज़ कीती जा सकदी आ। ठीक है, ते हुण इत्थे लिखिआ होइआ गैर बायोडीग्रेडेबल, इह किहड़ी हुंदी आ? जिहड़ी ना गले सड़े, जिहड़ी गलन सड़न वालिआं चों नहीं हुंदी गी। गैर बायोडीग्रेडेबल रहिंद खूंह तों छुटकारा पाउण दा सब तों वधिया हल है। हाँ जी, गैर बायोडीग्रेडेबल रहिंद खूंह तों छुटकारा पाउण दा सब तों वधिया हल आ रिसाइकलिंग। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, जैव भिन्नता की है? हाँ जी, जैव भिन्नता की है? इन्हां दे विचों जैव भिन्नता एक जंगल विच कई किस्मां दे पौधे अते जानवरां नूं कहा जांदा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक जंगल दे विच कई किस्मां दे पौधे हुंदे आ ते जानवर हुंदे आ, उहनूं ही जैव भिन्नता बोलिया जांदा है। नैक्सट क्वेश्चन, कोरल रीफज, हाँ जी, सब तो पहला तुसी देखो कोरल रीफज की हुंदा वा, जाने के जिहड़ी समुंदर दे विच बिना रीढ़ दी हड्डी दे जीव जंतु हुंदे आ उहनां नूं असीं बोलदे हां कोरल रीफज। ते फिर कोरल रीफज दी राखी लई भारत सरकार ने हेठां लिखियां विचों किस नूं, एक नूं मरीन पार्क वजों घोषित कीता? उह कौण आ जिहनूं मरीन पार्क दे वजों घोषित कीता वा, उह वी कोरल रीफज दी रख्या दे लई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जी ऑप्शन नंबर सी, कश की खाड़ी। कश की खाड़ी नूं भारत सरकार ने एक मरीन पार्क घोषित किया वा कोरल रीफज की राखी दे लई किया वा। ठीक है, भी तुसी याद रखना। नैक्सट क्वेश्चन असी करते हैं जी, वातावरण विच केड़े कारक शामिल हैं? हाँ जी, वातावरण दे विच केड़े कारक शामिल हैं? जिहड़े भी स्टूडेंट्स नूं पता, 3 सैकेंड दिंदी आ मैं तुहानूं कमेंट बॉक्स दे विच लिखण लई। वातावरण दे विच केड़े कारक शामिल आ?
वातावरण दे विच अबायोटिक अते वायोटिक कारक शामिल है, ठीक है, वायोटिक अते अबायोटिक। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जे असी गल करिए अबायोटिक कारक केड़े आ, वातावरण दे विच जिहड़े नॉन लिविंग पार्ट हुंदे आ जिवें सूरजी ऊर्जा रोशनी सूरजी रोशनी कह सकते हैं, सूरजी ऊर्जा भी आ सकती है, हवा पानी मिट्टी ये सारा कुछ की आ जाता वा नॉन लिविंग पार्ट आ वातावरण दे, ते इह अबायोटिक दे विच आ जांदे आ। बायोटिक पार्ट दे विच किहड़े जिहड़े लिविंग पार्ट हुंदे आ वातावरण दे विच, जिवें पौधे जानवर कीड़े मकौड़े, ठीक है, इस तरह के, ये तुसीं याद रखना। नैक्सट क्वेश्चन असी करते हैं बायोगैस के संबंध में सही बयान की पछाण करो। हाँ जी, बायोगैस के संबंध के इन्हों के सही आ, बायोगैस के संबंध में इन्हों सही आ बायोमास के फर्मटेशन द्वारा तैयार गैस, बायोमास के फर्मटेशन द्वारा तैयार गैस है, ठीक है। इतने हम फर्मटेशन का की मतलब आ, इतने फर्मटेशन का मतलब यह है कि एक प्रोसैस होंदा वा जिस विच कोई पदार्थ छोटे छोटे कणा दे विच टुट जाता वा, अते छोटे छोटे कणा दे टुटन नाल ही उस विच बायोमटीरियल आ जाता वा, ते उहदे विचों बायोगैस पैदा हो जाती है, ठीक है, ये तुसीं याद रखना। नैक्सट क्वेश्चन, हेठ लिखियां मनुख द्वारा तैयार कीतियां तबाहियां जिहड़ियां समाजिक तौर पर प्रेरित हन। हाँ जी, इन्हां दे विचों केड़ियां तबाहियां ने जिहड़ियां मनुख द्वारा तैयार कीतियां जांदियां ने ते जिहड़ियां समाजिक रूप तौर ते ही प्रेरित आ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जी ऑप्शन नंबर ए आरसन। आरसन एक क्राइम हुंदा वा, एक जुर्म हुंदा वा जिहड़ा कि मनुख द्वारा तैयार कीतियां तबाहियां दे नाल रिलेटिड हुंदा वा, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन असी करते हैं जी, मेलानोरनिया चमड़ी का कैंसर नूं कहिंदे आ मेलानोरनिया, ये भी तुसी याद रखना, चमड़ी के कैंसर नूं कहिंदे आ मेलानोरनिया। ये किस नाल संबंध रखता है? हाँ जी, ये किहदे नाल संबंधित रखता है? ओजोन की घाट के नाल संबंधित रखता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। देखो, ओजोन की घाट नाल जिहड़ियां जदों ओजोन की घाट हो जाती है पैराबैंगनी किरणां जिहड़ियां ज़्यादा आउण लग जांदियां वा, ते जिस दे नाल की हुंदा वा कि चमड़ी का कैंसर हुंदा वा, ठीक है, ये तुसी याद रखना। नैक्सट क्वेश्चन, वातावरण सुरक्षा एक्ट किस साल पास होया? हाँ जी, वातावरण सुरक्षा एक्ट पास होने की गल हो रही है, पास होया सी मार्च 1986 दे विच। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जेकर तुहानूं लागू होया जी, वातावरण एक्ट कदों लागू होया? तां लागू होया सी नवंबर दे विच, नवंबर 1986 दे विच लागू होया, मार्च 1986 दे विच पास होया। नैक्सट क्वेश्चन असी करते हैं जी, साडे शरीर का किन्ना हिस्सा भार पानी पानी का हुंदा है? हाँ जी, साडे शरीर दे विच किन्ना भार आ जिहड़ा वह पानी का ही हुंदा है, किन्ना हिस्सा वा साडे शरीर दे भार दा जिहड़ा पानी का हुंदा है? तो इस क्वेश्चन का देखो तुहानूं ऑप्शन ए भी आ सकदियां पॉइंट च, ते तुहानूं ऑप्शन 60 भी आ सकदा, ठीक है, 70 भी आ सकता, 80 भी आ सकता, 90 भी आ सकता, जाने कि तो अपने शरीर के 70% हिस्सा भार का वा जो पानी हुंदा है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 70% 0.7%, ठीक है, 0.7 या 70%। नैक्सट क्वेश्चन, जंगली जीव हफ्ता कदों मनाया जाता है? हाँ जी, जंगली जीव हफ्ता 2 अक्तूबर तो 8 अक्तूबर तक मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 2 अक्तूबर तो 8 अक्तूबर तक जंगली जीव हफ्ता मनाया जाता वा, तो यदा उद्देश की है मनाने का? जानवरों की जिंदगी बचा, उन्होंने भोजन और होर उद्देशों के लिए उन्होंने ना मारन के लिए भी ना मारिया जाए, यह उद्देश देना कि उन्होंने भोजन और होर उद्देशों के लिए ना मारिया जाए, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन असी करते हैं जी, ओजोन परत में सुराख लई हेठ लिखियां विचों कौन जिम्मेवार है? हाँ जी, ओजोन परत दे विचों सुराख दे लई जिहड़े सुराख हुंदे आ ओजोन परत दे विच उहदे लई कौन जिम्मेवार आ? सब तो पहला तो देखो तुहानूं इन्हां दे नाम पता होने चाहिए आ, तुहानूं नाम भी पुछ सकदे आ वो इदां दी फॉर्म दे के, ठीक है, कि इहदा पूरा नाम की हो सकदा वा, जिवें CO2 नूं कहिंदे आ असीं कार्बन डाइआक्साइड, SO2 नूं कहिंदे आ सल्फर डाइआक्साइड, CO नूं कहिंदे आ कार्बन मोनोआक्साइड, ते CFC नूं कहिंदे आ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। तो हुण ओजोन दे विच जिहड़े सुराख आ इहनां दे लई कौन जिम्मेवार आ? CFC जिम्मेवार आ, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिम्मेवार आ। इहदे कारण की है, इहदे सोर्स की आ? इहदे मेन सोर्स आ फ्रिज अते AC, जदों फ्रिज अते AC चलदे आ उहनां दे विचों CFC निकलदी आ, ते उह जिहड़ी रिलीज़ हुंदी आ उहनां दे विचों इह ओजोन परत दे विच सुराख कर दिंदी आ, ठीक है, छोटे छोटे छेक कर दिंदी आ, मोरियां कर दिंदी आ।
नैक्सट क्वेश्चन, चिपको अंदोलन किसकी अगवाई विच मजबूत किया गया सी? हाँ जी, चिपको अंदोलन किसकी अगवाई दे विच मजबूत किया गया सी? सुंदर लाल बहुगुणा की अगवाई दे विच मजबूत किया गया सी। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखो, चिपको अंदोलन भारत दे विच जंगलों की संभाल दे लई एक लहर चलाई गई सी, जिहड़ी 1970 दे विच उत्तराखंड दे विच शुरू हुई सी। ते आइडिया जिहड़ा सीगा इह सुंदर लाल बहुगुणा की वाइफ का सी, इन्होंने इस पर एक्शन स्टार्ट किया सुंदर लाल बहुगुणा ने। ठीक है, ये भी तुसी याद रखना। नैक्सट क्वेश्चन, जदों तापमान बढ़ता है भाफ की दर पर की प्रभाव पैंदा है? हाँ जी, जदों तापमान बढ़ता है भाफ की दर बढ़ती है जां घटती है जां नहीं बदलती? 3 सैकेंड दिनी आ मैं तुहानूं इसनूं लिखण दे लई, हाँ जी दसण दे लई। जदों तापमान बढ़ता है तां भाफ की दर भी बढ़ती है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखो, जदों तापमान बढ़ता वा गर्मियों के यही कारण आ मीह ज़्यादा पैंदा, जदों तापमान बढ़ जाता वा समुद्र के वाष्पीकरण उठते हैं जिहड़े भाफ का रूप लेंदे आ, फिर जाके बदल बन जाते हैं, तो उस तो बाद मीह हुंदा वा, मीह पैंदा वा। ठीक है, जदों तापमान बढ़ता वा तो भाफ की दर भी बढ़ जाती है। नैक्सट क्वेश्चन असीं करते हैं जी, भाफ की दर किस नाल प्रभावित हुंदी है? हवा नाल हुंदी आ। ठीक है, तापमान नाल हुंदी आ, खुली सतह के खेत्रफल नाल हुंदी आ, जां नमी नाल हुंदी आ। ओह कहिंदा इन्हां दे विचों किहड़ियां ऑप्शनस सही आ? इन्हां दे विचों पहला सही आ, दूजा सही आ, चौथा सही आ, जां फिर पहला दूजा तीजा सही आ, जां फिर दूजा तीजा चौथा सही आ? ठीक है, जां सारे ही सही आ? तो आप इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है, जिन्हां दे लई टाइम भी लगता वा तो थोड़ा तुहानूं कन्फ्यूज भी किया जाता वा। भाफ की दर किस नाल संबंधित हुंदी आ? हवा दे नाल संबंधित हुंदी आ। ठीक है जी, भाफ की दर किहदे नाल संबंधित हुंदी आ? हवा दे नाल संबंधित हुंदी आ, खुली सतह दे खेत्रफल नाल भी संबंधित हुंदी आ, तापमान नाल भी संबंधित हुंदी आ, ते नमी नाल भी संबंधित हुंदी आ। मतलब ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर कि सारे ही आ भाफ की दर दे नाल संबंधित, भाफ की दर जिहड़ी प्रभावित हुंदी आ इन्हां नाल, हवा नाल, तापमान नाल, खुली सतह दे खेत्रफल नाल, नमी नाल। नैक्सट क्वेश्चन, ओ अध्ययन जो जीव जंतुओं के आपसी वातावरण नाल मेलजोल बारे जानकारी दिंदे होण उहनां नूं की कहा जांदा वा? हाँ जी, वह अध्ययन जो जीव जंतुओं के आपसी वातावरण नाल मेलजोल बारे जानकारी देंदे आ उन्हां नूं इकोलॉजी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। जिहड़ा जीवां ते पेड़ पौद्यां बारे जानकारी देवे उन्हूं की कहा जाता वा? इकोलॉजी कहा जाता वा। तो इस तो इलावा उपर तुहानूं लिखिया देख रहा है इटोलॉजी। इटोलॉजी किसनूं कहा जाता है? बीमारियां दे कारण पता करन नूं कहा जाता है। ठीक है, बॉटनी, बॉटनी कहा जाता है पौद्यां बारे जानकारी नूं। ते बायोलॉजी कहा जाता है जीव जंतुओं की शरीरक बनतर बारे जानकारी नूं। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन, वातावरण लई ऊर्जा का मुख स्रोत किहड़ा हुंदा है? हाँ जी, वातावरण के लिए ऊर्जा का मुख स्रोत सोलर एनर्जी यानी कि सूरजी ऊर्जा हुंदा है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन असीं करदे हां जी, पुलाड यात्री ऑक्सीजन का इस्तेमाल कित्थे कित्थे किया जाता है? हाँ जी, पलाड यात्री आ जिहड़े ओह ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते आ कित्थे कित्थे करते आ? डूंघे समुद्रां दे गोताखोर विच करते आ, साह दीआं समस्यां वाले मरीज लई करते आ, जां प्रकाश संश्लेषण क्रिया विच करते आ, जां बाहरी पलाड विच जाण लई करते आ? देखो हुण जिहड़े पलाड यात्री ला लो, ठीक है, ऑक्सीजन का इस्तेमाल, वैसे तां पुलाड यात्री आ जिहड़े हो सकदा तुहानूं इत्थे ना आवे, तुहानूं सीधा आ जाए कि ऑक्सीजन का इस्तेमाल कित्थे कित्थे किया जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का इस्तेमाल देखो डूंघे समुद्र के गोताखोर के भी किया जाता वा, साह दीआं समस्यावां वाले मरीज के लिए भी किया जाता वा, बाहरी पुलाड के लिए भी किया जाता वा। तो इस क्वेश्चन का फिर राइट आंसर की बनिया कि पहला दूजा तो चौथा ही राइट आ, मतलब कि पहला दूजा तो चौथा सी दे ऑप्शन आ इस दे विच राइट आ। हुण प्रकाश संश्लेषण क्रिया के क्यों आनी असी क्या? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के कार्बन डाइआक्साइड की जरूरत होंगी है, ना कि ऑक्सीजन की जरूरत होंगी है। ठीक है, जो भी पौधे अपना भोजन बनाते वो कार्बन डाइआक्साइड लेंदे आ, ऑक्सीजन छड्डदे आ, इस गल नूं ध्यान च रखना। नैक्सट क्वेश्चन असीं करदे हां जी, तारियां दा एक समूह जो एक पैटर्न बनदा प्रतीक हुंदा है उसनूं की कहा जांदा है? हां जी, तारियां दा एक समूह जिस दे विचों कोई ना कोई पैटर्न बने, कोई ना कोई इमेज बने, उसनूं की कहा जांदा वा? एक तारा मंडल कहा जांदा है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, किहड़ी तरीक नूं दिन अते रात बराबर हुंदे ने? हाँ जी, इन्हां दे विचों किहड़ी तारीक आ जिस नूं दिन अते रात बराबर हुंदे आ? देखो ऑप्शनस इस लिखिया हुई ने, तुहाडे कोल बी ऑप्शन आ, ठीक है, सी ऑप्शन आ, डी ऑप्शन आ, ए आ।
केड़ी तारीक नूं दिन अते रात बराबर हुंदे ने? हाँ जी, दिन अते रात 21 मार्च अते 23 सितंबर नूं बराबर हुंदे आ। जाने कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन दा राइट आंसर आ, 21 मार्च 23 सितंबर नूं बराबर होणगे दिन अते रात। नैक्सट क्वेश्चन असीं करदे हाँ जी, जदों बंद कमरे विच अग बलदी है तां उस समें प्रदूषित पदार्थ हुंदा है जो हीमोग्लोबिन नाल प्रतिक्रिया करदा है अते इक आदमी नूं मौत वल लै जांदा है। हाँ जी, जदों अग बंद कमरे दे विच अग बलदी है, देखो जो बंद कमरे दे विच असीं अग बालदे हां उस समय जिहड़ी आक्सीजन उह खत्म हो जांदी आ, तां जिहड़ी उह आक्सीजन उस समय बनदी आ, जिहड़ी गैस अंदर बनदी आ, जहरीली गैस हुंदी आ, उह बनदी आ सीओ। सीओ यानी कि कार्बन मोनोडाइऑक्साइड बनदी आ, जिस दे नाल साह लैण दे विच प्रॉब्लम हुंदी आ ते व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। ठीक है, ये तुसीं याद रखना, जदों बंद कमरे दे विच अग बलदी है तां उस समय प्रदूषित पदार्थ हुंदा वा सीओ टू, जो हीमोग्लोबिन नाल प्रतिक्रिया करदा है अते आदमी नूं मौत वल लै जांदा है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सीओ टू कार्बन मोनो डाइऑक्साइड। एसओ टू का मतलब की है सल्फर डाइऑक्साइड, सीओ थ्री का मतलब की है ओजोन गैस होंगी है एक, ठीक है। सीओ टू का सीओ मतलब होंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, सी एच फोर होंगे वा मिथेन, ये तुसी याद रखना। नैक्सट क्वेश्चन असी करते हैं जी, एक बैटरी जां सैल केड़ी ऊर्जा नूं बिजली ऊर्जा विच बदलदा है? हाँ जी, एक बैटरी जां सैल केड़ी ऊर्जा नूं बिजली ऊर्जा विच बदलदा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रसायनिक, रसायनिक ऊर्जा दे विच बदलदा है। जदों तेजाब किसी इलैक्ट्रॉन नाल रिएक्शन करता है तो उस विचों इलैक्ट्रॉन फ्लो करता है जिस नाल बिजली ऊर्जा पैदा हुंदी है। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन, भारत मॉडर्न, हाँ जी भारत मॉडर्न परमाणु टैक्नोलॉजी केंद्र कित्थे आ? भारत मॉडर्न परमाणु टैक्नोलॉजी केंद्र BARC दे विच आ। ठीक है, कित्थे आ? BARC दे विच। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि भाभा अटोमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, ये भारत मॉडर्न परमाणु टैक्नोलॉजी केंद्र आ, तो जिसका हैडक्वाटर आ मुंबई दे विच। तुहानू हो सकता इत्थे ऑप्शन आ जोड़ियां वह हैडक्वाटर दे नाल ही रिलेटिड आन, मतलब नाम दिते जाण मुंबई स्वीडन जां कुछ भी हो सकता टोक्यो वगैरह। ठीक है, तुसीं की लाओगे? मुंबई लाओगे। तो इस विच न्यूक्लीयर रिसर्च की भी सहूलत होंदी है। ठीक है, हाँ जी, इस दे नाल ही साडी अज दी वीडियो खत्म होंदी है, तो कल दी वीडियो दे विच असीं करांगे इसका नैक्सट पार्ट 4। तो जिहड़े भी स्टूडेंट पंजाब दे किसी भी कंपीटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे ने, उम्मीद करदी हां उन्होंने ये वाला टॉपिक समझ आ रहा है, जेकर समझ आ रहा है तो कृपा करके कमेंट बॉक्स के जरूर दसना कि तुहानू ये वीडियो किस तरह की लगी, तो जेकर चंगी लगी हो प्लीज़ वीडियो नू लाइक और शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।